हम लेडीज चाहे पूरे महीने एक्टिव रहें, लेकिन महीने के वो जो 5 दिन होते हैं ना, वो हम बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पाते। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि हमें पीरियड्स होते हैं। अब जब पीरियड्स होते हैं तो कई तरह की परेशानियां भी होती हैं, जैसे पेट में दर्द, पीठ में दर्द, बार बार पैड बदलने की परेशानी, रैशेस, कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमें परेशान करती है उन 5 दिनों में। लेकिन अब मार्केट में कई ऐसी प्रोडक्ट आ गए हैं, कई ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ गए हैं जो हमें इस दौरान, पीरियड्स के दौरान काफ़ी हेल्प करते हैं और हमारी समस्याओं में काफ़ी हद तक निजात भी दिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैम्पॉन्स के बारे में। वैसे मार्केट में मेंस्ट्रुएशनल कप और बहुत अच्छे अच्छे तरीके के नैपकिन्स और टैम्पॉन्स आ गए हैं मार्केट में, लेकिन आज हम वीडियो में टैम्पॉन्स के बारे में बात करेंगे, इनके हाइजीन के बारे में बात करेंगे, कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए, आज इसके बारे में हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। जब आप टैम्पॉन लेंगे तो सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है कि आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। वैसे हम ज्यादातर देखते हैं कि हमने एड देखा और हम बस झट से ले आए और बस यूज कर लिया। कई बार ऐसी कंडीशंस हमारी शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए अगर आपने टैम्पॉन यूज नहीं किया है और आप चाहती हैं यूज करना, तो हमारा ये वीडियो जरूर जरूर देखें। दोस्तों, टैम्पॉन कुछ आपको इस तरह की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल होगा। ये कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए, इसको इस्तेमाल करना इजी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हाइजीन का। जब आप टैम्पॉन इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ धुले हुए हों, अच्छे से सैनिटाइज्ड हों। आपको करना बस कुछ नहीं है, इसका ऊपर का प्लास्टिक खोलना है। इस तरह की प्लास्टिक होती है जिसे आपको अच्छे से खोलना है। कोशिश करें कि इसके ऊपर वाले भाग पे बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। ये देखिए, कुछ इस तरह का आपको ये टैम्पॉन जब प्लास्टिक से बाहर आएगा तो दिखेगा। ये थ्रेड होती है, इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बस अपने पीरियड्स के दौरान इसको इंसर्ट करना है और वेजाइनल एरिया में, और ये जो थ्रेड होगा ये आपका बाहर की तरफ रहेगा। कई लोगों में ऐसी क्वेश्चंस होते हैं कि अगर ये थ्रेड अंदर चला जाए, ये थ्रेड अगर टूट जाए तो क्या होगा। घबराने की बात नहीं है, आपको आप अपने हाथ धोइए, और अगर ये थ्रेड नहीं है तो हल्के हाथ से आप अंदर की तरफ अपनी दो उंगलियों को इस्तेमाल करें और इसको इस तरह से खींच लें, ये आसानी से आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कोशिश करें कि इस थ्रेड को आप बहुत डेलिकेटली इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, मजबूत नहीं होता, इसलिए आपको बहुत डेलिकेटली इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको टैम्पॉन अगर यूज़ करना है तो क्या क्या आपको अपने ध्यान में चीज़ें रखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ है कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, आपको अपने हाथों को धो के ही इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़, आपको 6 से 7 घंटा इस टैम्पॉन को इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा नहीं। जो महिलाएं ट्रैवलिंग करती हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये टैम्पॉन, क्योंकि उनकी ऐसी लॉन्ग जर्नी होती है, ट्रैवलिंग होती है, पैड 3 से 4 घंटा ही सोख पाता है, उसके बाद चेंज करना होता है। लेकिन टैम्पॉन एक ऐसी चीज़ है जो आप 6 से 7 घंटा आराम से लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ज़रूर बदलना है। साथ ही आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि आपको टैम्पॉन रीयूज नहीं करना है। चौथी चीज़ ये है कि आपको रात में कभी सोते टाइम टैम्पॉन नहीं लगाना है, आपको हमेशा सोते टाइम पैड का ही इस्तेमाल करना है। तो ये ऐसी 4 कंडीशंस हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी होगी टैम्पॉन को इस्तेमाल करने से पहले। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपको टैम्पॉन मार्केट में 3 तरह के मिलेंगे, लो फ्लो, मीडियम फ्लो, हाई फ्लो। आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से, आपको अपने पीरियड्स की ब्लीडिंग के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपको फ्लो कैसा होता है पीरियड्स के दौरान, तो उस हिसाब से आपको टैम्पॉन लेना पड़ेगा। लार्ज साइज, लो फ्लो, मीडियम फ्लो और हैवी फ्लो के हिसाब से, और इनका साइज भी होता है लार्ज, मीडियम और छोटा साइज, स्मॉल साइज होता है। तो आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको चुनना पड़ेगा। दोस्तों, टैम्पॉन का एक फायदा ये है कि ये हमें रैशेज नहीं होने देता, रैश फ्री। हम क्योंकि हम पैड जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी लेडीज़ में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें रैशेज़ हो गए हैं, हम क्या करें, फिर उसके बाद हम वजाइनल एरिया में भी रैशेज़ हो जाती हैं। लेकिन टैम्पॉन के साथ ऐसा नहीं है, आप टैम्पॉन जब इस्तेमाल करेंगी तो आपको रैशेज़ की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसी कई चीज़ें हैं टैम्पॉन के साथ जो हमने आपको बताई हैं,
अगर आपको टैम्पॉन यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टैम्पॉन यूज़ करिए और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर टैम्पॉन यूज़ करिए। लेकिन आपको ध्यान में रखनी है वो बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है और स्ट्रेस फ्री होकर टैम्पॉन यूज़ कीजिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है।